तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी गर्मियों की छुट्टियों को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो हमारा जो वैदिक गणित का सीरीज चल रहा था और वैदिक गणित के सीरीज में मैंने अभी तक आपको दो सूत्रों के बारे में बता चुका हूँ। एक था हमारा एकाधिकेन पूर्वण विधि और दूसरा था हमारा निखिलम विधि, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों जो हमारा तीसरा नंबर का सूत्र आता है, उस तीसरे नंबर के सूत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा तीसरा नंबर का खूबसूरत सा विधि आ चुका है, जिसका नाम होने वाला है ऊर्ध्व तिर्यग्याभ्याम विधि। जबरदस्त होने वाला है मेथड। सर, इस मेथड में आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मेथड में मैं आपको गुणा करना सिखाने वाला हूं। भैया, गुणा कैसे करते हैं? जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट में पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनके सिलेबस में ही इस टॉपिक को दे दिया जाता है कि आप संख्याओं को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ही गुणा करो। अगर आप एक कंपटीशन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस बेस से भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका उम्र क्या चल रहा है, हर एक पर्सन के लिए, हर एक आदमी के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर एक चीज को लिखते हुए, नोट डाउन करते हुए चलना, अपनी कॉपी पर एकदम बकायदा नोट्स बनाते हुए चलना। और ऐसा नहीं सोचना है कि भैया हमारे सिलेबस में नहीं, यार क्यों पढ़ा रहे भैया। अरे भैया, नया सीख लो ना, सीखने के लिए मिल रहा है, एक ही जिंदगी मिली यार, उसको यूज तो करो। हर कुछ सीखो, हर कुछ नया, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। बिल्कुल आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मुझे आज कुछ नया सीखना है, जो सर पढ़ा रहा है उसको मुझे सीखना ही है। और इसी सिखाने के उद्देश्य को लेकर मैं हर रोज आपके सामने आ जाता हूं। तो जब मैं आ जाता हूं सिखाने के उद्देश्य को लेकर, तो अब तो आप सीखने वाले हो, तो बिल्कुल आपको आपको सीखना ही है। चलिए, तो भैया अब ये ऊर्ध्व तिर्यग्याभ्याम विधि क्या कहता है, तो एक लाइन इसके बारे में हम पढ़ लेना चाहेंगे कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो ऊर्ध्व तिर्यग्याभ्याम है, ये वेदों की गणित है। और वेद कैसे थे, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, तो ये संस्कृत के वर्ड है। अब इसको हम हिंदी में पहले समझना चाहेंगे, और ये आ चुका आपका एक लाइन लिखा हुआ इसका हिंदी अर्थ। चलो, तो तीसरा नंबर का हमारा ये विधि होने वाला है, सूत्र होने वाला है ऊर्ध्व तिर्यग्याभ्याम। अब यहां पर ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर या फिर सीधा। इसी को हम खड़ा भी बोलते हैं, इसी को हम लंबवत भी बोलते हैं। ये खड़ा कुछ इस प्रकार से होता है, देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से खड़ा गुणा करते हैं, ये इस प्रकार से खड़ा होता है। और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, ये कुछ इस प्रकार से होता है ना। आप देखे हो ना, ऐसे ऐसे जब कोई युद्ध लड़ता है, जब वो चाइना वाले कैसे करते, ऐसे करते हैं ना, तो ये आपका कौन सा हुआ, तिर्यक गुणा। और ये सीधा जो हुआ, ये सीधा आपका होता है ऊर्ध्वाधर। इसी को खड़ा भी बोलते हैं, इसी को हम लंबवत भी बोल देते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं संख्याओं को गुणा करने में, तो बेसिकली दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इस विधि का उपयोग करके हम ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं यदि गुणक और गुण्य दोनों की अंकों में जब समानता होती है। अगर यहां पर 45 दिया गया है, दो अंकों वाली संख्या है, तो जिससे गुणा करना है वो भी दो अंकों वाली संख्या ही होनी चाहिए, जैसे कि 23। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम बेसिकली इसमें गुणा करते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड होने वाला है, बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। चलिए, अब हम सीधा सीधा अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ना चाहेंगे, और ये आपका आ चुका एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या किया, मैं 2 से 3 एग्जाम्पल लिया हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल 1-2 टाइप के क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा होने वाला है, ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला, एकदम सरल सा मेथड है। अब देखो, एक 40×38 करना, सामान्य तरीके से चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या भैया, उनको ये मेथड सीखना ही पड़ेगा ना। तो आप भी सीख लो यार, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो मेरे दोस्त भी इसको सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज कुछ नया आपको सीखते ही रहना चाहिए, बिल्कुल। चलो, अब इसको हम गुणा कैसे करते हैं, सर एक बार बताना चाहोगे क्या? बिल्कुल, बताने के लिए ही आया हुआ हूं। तो यहां पर देखो, इसको गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले हल लिख देता हूं। देखो, हल लिख दिया, हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्याभ्याम का उपयोग करने वाले हैं। तो देखो, यहां पर क्या दिया गया था, 41 गुणा हमें करना है 38। तो कैसे गुणा करूंगा, यहां पर इसको अरेंज करना सबसे पहले आपको सीखना है, क्योंकि अरेंज करने में ही आपका पूरा काम होने वाला है, 80% काम वहीं पर हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना, देखो तो अरेंज कैसे करूंगा, पहले मैंने 4 को लिखा, बस मैंने पहले 4 को लिखा, फिर क्या करूंगा, यहां पर दोनों को एक साथ लिख दूंगा, 4 और 1 को मैंने एक साथ लिख दिया। अब अंतिम वाले 1 को मैंने अकेला छोड़ दिया,
इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने चार को लिखा, फिर दोनों को एक साथ लिखा, फिर एक को मैंने लास्ट में अकेले लिख दिया, ठीक है। अब जिस तरह से ऊपर वाले को जमाया उसी तरह से नीचे वाले को भी जमा लो। तो अकेले को पहले लिख लो, पहले तीन को लिख लो, अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो तीन और आठ को इसके नीचे में लिख लेंगे। अब आठ जो है वो अकेला यहां पर उतार देते हैं, एक लाइन ऐसे कर दो, आपका 80% कुछ किए भी नहीं है और आपका 80% काम हो चुका। फ्री के नंबर होते हैं ऐसे, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं फ्री के नंबर होते हैं। चलो सर अब क्या करना चाहोगे? बिल्कुल अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गुड़ा उड़ा करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी करना करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या था? ऊर्ध्व तिर्यग्याभ्याम। अब इसका मतलब आपको समझना है। ऊर्ध्व का मतलब मैंने बताया कि खड़ा गुड़ा, सीधा गुड़ा, ऐसे को लंबवत गुड़ा करते हैं। तो जो सिंगल सिंगल दिख रहा है ना उसको आप करोगे खड़ा गुड़ा या फिर क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर गुड़ा या फिर लंबवत गुड़ा। तो एक और आठ सिंगल सिंगल अंक है, तो आठ और एक का आप गुड़ा करोगे तो आठ एक कम आठ आने वाला है। एक लाइन ऐसे खींच दो, खींच दिए सर, बिल्कुल। अब यहां पर ये जोड़े में दिख रहा है सर, इसको क्या करेंगे? अब इसको हम करेंगे तिर्यक गुणा। क्या? तिर्यक गुणा, यानी कि आठ का तिरछा गुणा चार के साथ होगा। ये तिरछा देखो, ये इस प्रकार से तिरछा गुणा होने वाला है और ये तीन का गुणा एक से होने वाला है। तो आठ का गुणा किया मैं चार से, तो आठ चौक हुआ 32। अब देखो यहां पर प्लस का साइन लगाना, क्यों? क्योंकि ये जोड़ा वाला है। अब तीन का तिर्यक गुणा एक के साथ होगा, तो तीन एक कम तीन, ठीक है। अब ये वाला खत्म हो चुका, फिर से एक लाने से खींच दो, खींच दिए सर। ये सिंगल सिंगल वाला भैया, तो सिंगल सिंगल वाले को हम करते क्या है, खड़ा गुड़ा करते हैं, तो चार का गुड़ा तीन से, तो चार तिया 12, ये हो चुका। अभी आपका आंसर नहीं आया, अब जोड़ना स्टार्ट। ये आठ जो है अकेला एक अंक वाला है, तो आठ एक का आठ आ चुका। अगर दो अंक वाला होता है तो क्या करते हैं, हासिल में इधर आता, ठीक है। चलो कुछ गलत किया क्या यहां पर? ये तीन एक कम तीन होता ना यार, तो एक क्यों लिखा, ये एक नहीं आएगा, तीन होगा, ये थोड़ा सुधार लेना। तीन कम तीन होगा तो ये तीन हो जाएगा, तो 32 और तीन कितना हुआ, 35 हुआ, 35 का पांच, 35 का पांच, 35 का आया यहां पर पांच, तीन कहां गया सर, तीन गया हासिल में, तो हासिल में यहां पर आ जाएगा 12 और ये हासिल का तीन, कितना हुआ 15, 12 तीन 15, तो 1558 ये आपका आंसर होने वाला है। फ्री के नंबर होते हैं इतना इजी, प्रैक्टिस ऊपर निर्भर करता है। प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो दो सेकंड लगता है ऐसे क्वेश्चन का। अरे बिना पेंसिल पेन उठाए, बिना पेंसिल, बिना कॉपी, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते हो। अब प्रैक्टिस करके तो देखो, प्रैक्टिस करके तो देखो भैया। चलो एक एग्जांपल खत्म, सेकंड नंबर एग्जांपल आते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या। चलो आ जाओ, तो 56 का हमें गुणा करना है, किससे करना है, 82 से करना है, अरेंज करना है। पहले सीखेंगे, पहले सिंगल लिखेंगे, पांच को सिंगल लिखा, अब दोनों को साथ में लिख लेता हूं, 56 को लिख दिया, अब अकेला 6 को उतार देता हूं लास्ट में, बिल्कुल उतार दिया। सेम तरीके से नीचे वाले को भी अरेंज करेंगे, पहले सिंगल को लिखूंगा, 8 को लिख दिया, अब दोनों को साथ में लिखूंगा, 8 और 2 को साथ में लिख दिया, अब लास्ट वाले को अकेले लिख दूंगा, तो 2 को मैंने अकेले लिख दिया। एक लाइन ऐसे कर दो, 80% आपका काम हो चुका। बताओ इतना लिखते आपका 80% काम हो चुका। क्या करते हैं, गुड़ा करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता, सिंगल सिंगल वालों को करते हैं ऊर्ध्व गुड़ा, खड़ा गुड़ा, तो 6 दूनी होता सर 12, 12 को वहां पर उतार दिए, एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है, क्योंकि ये करने के बाद आपको एक लाइन यहां पर खींच देना है। अब क्या करेंगे, तो यहां पर होता है ये जोड़ा वाला है, तो जोड़ा वालों को हम करते हैं तिर्यक गुणा भैया, तो तिर्यक गुणा यहां पर करते हैं, तो 5 का गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, फिर प्लस का चिन्ह, 8 का गुणा यहां पर करेंगे किससे, 6 से, तो 8 छक्के होता है 48 को उतार दिए, ये काम, इसका काम तमाम हो चुका है। फिर से एक लाइन ऐसे खींच दो। ये सिंगल सिंगल वाले हैं, सिंगल सिंगल वाले में क्या करते हैं, यहां पर ऊर्ध्व गुणा, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे हुआ 40, चलो लास्ट में जोड़ देते हैं, तो 12 का 12 कोई नहीं उतार देगा, 12 का 2 आता है हासिल में जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा, तो 48 और धन ये 10 हो जाएगा 58 और हासिल का 1 59, 59 का आएगा 9, हासिल का जाएगा 5, 5 यहां पर आ जाएगा, तो 40 और हासिल का 5 45, यानी कि 4592 आपका आंसर होने वाला है। देख लो 4592, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा ना तो 2 सेकंड में इसका काम तमाम कर दूंगा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना आपको। आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो तो 231 और ये 425, अब ये तीन अंकों वाली संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तीन हो या चार हो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, तो भैया हमें यहां पर 231 को देना है 425 से गुणा, देना नहीं है गुणा करना है, ठीक है। अब इसको अरेंज करना सीखते हैं। देखो 2 को पहले मैंने उतार दिया, अब 2 को पहले सिंगल उतार, अब जोड़ा बनाते हुए चलते हैं, तो 2 और 3 को अब एक साथ लिख देता हूं, तो 2 और 3 को मैंने एक साथ लिख दिया, चलो 2 और 3 को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है
ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं, तो दो तीन और एक को एक साथ लिख दिया। अब ये लास्ट वाले नहीं, अब ये तीन और एक का जोड़ा बनाते हैं, तो तीन और एक का जोड़ा बनाया और अंतिम में केवल लिखा जाएगा एक। समझ में आ गया, नहीं आया तो चलो अब नीचे वाले को एक बार और अरेंज करके देख लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले सिंगल को उतार दो, चार को पहले उतार दिए, अब जोड़ा बना लो, चार और दो का जोड़ा बना लो, सर जोड़ा बना दिए चार और दो का। अब तीनों को एक साथ लिख दो, 425 को एक साथ लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अंतिम से जोड़ा बना लेते हैं दो और पांच को, तो दो और पांच को कर दिए। अब अंतिम वाले अंक को उतार देते हैं, पांच को उतार देते हैं, सर बिल्कुल उतार दिए, ठीक है। एक लाइन ऐसे कर दो, आपका 80% काम तो हो चुका यार, आपका तो 80% काम हो चुका है ना, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस गुड़ा करेंगे। तो सिंगल वाले का होता है ऊर्ध्व गुड़ा, पांच का गुड़ा एक से पांच, एक कम पांच, इसका काम हो चुका, तो एक लाइन ऐसे बना दो, बना दिए सर। ये भैया जोड़ा वाला है, जोड़ा वाला में देख क्या रहा है, तिरक गुणा करो ना, तो यहां पर पांच तिया ये हो जाएगा 15, फिर जोड़ा वाला तो प्लस का चिन्ह, कोई माइनस का चिन्ह धोखे से मत लगा देना। दो एक कम दो, दो एक कम दो हो चुका, ये खत्म हो चुका, फिर से एक लाइन बना दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मुद्दा ये है सर, यहाँ पर तो तीन तीन है, कैसे करेंगे, तो दो दो वाले में तो तिरक गुणा कर दिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, पांच का दो से तिरक गुणा कर दो, पांच का दो से तिरक गुणा कर दो, चार का एक के साथ तिरक गुणा कर दो, बिल्कुल कर दिए। अब ये तीन और दो, इन दोनों का आप खड़ा गुणा कर दो, ऊर्ध्व गुणा जिसे बोलते हैं, कर दोगे, बिल्कुल कर दो। तो पांच का दो से गुणा, पांच दूनी दस, प्लस का चिन्ह, चार एक कम चार, प्लस का चिन्ह, तीन और दो गुणा करेंगे ना, जोड़ मत देना, तीन दूनी छह, ये इसका काम हो चुका, फिर से एक लाइन बना दो। अब ये जोड़ा वाला है, बिल्कुल तिरक गुणा करेंगे, तो दो दूनी हो जाएगा सर ये चार, प्लस का चार लिखना छोड़ के मैं दो लिख रहा हूँ, देख लो चार लिखेंगे ना, दो दूनी चार, प्लस लिख देंगे, चार का गुणा करेंगे दो से तिरक गुणा, तो चार तिया हो जाएगा 12, इसका भी काम हो चुका, काम तमाम, तो लाइन बना दिए सर। यहाँ पर चार दूनी आठ होता है क्या, बिल्कुल होता है, आठ छाप दो। अब अंतिम लाइन में आपका आंसर आने वाला है, चलो तो यहाँ पर पांच लिख दिया मैंने, पांच और ये हाँ पंद्रह है ना, पंद्रह और दो सत्रह, सत्रह का सत्रह लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, सात लिखेंगे, हासिल जाएगा यहाँ पर एक, हासिल जाएगा यहाँ पर एक, तो यहाँ पर चार दस, देखो दस और यहाँ पर चार चौदह, चौदह और छब्बीस, बीस और एक इक्कीस, इक्कीस का एक आ चुका हासिल में, यहाँ पर दो आ चुका, दो आ गया, ठीक है। तो बारह और चार ये होता है सोलह, सोलह और दो, सोलह और दो अट्ठारह हो गया क्या, हाँ अठारह का आठ यहाँ पर आ चुका, हासिल में एक आया, हासिल का एक आ जाएगा, आठ और एक ये हो जाएगा नौ, ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला, देख लो। यानी कि जब मैंने 231 गुना कितना किया, 425 किया, तो हमारा आंसर आने वाला है कितना आया भैया, 98175, 98175 ये हमारा आंसर होने वाला है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने ऊर्ध्व तिरक विधि को भी सीख लिया, मजा आया ना, बहुत मजा आया होगा। तो ऊर्ध्व तिरक विधि तीसरे नंबर के फॉर्मूले को भी आज के इस क्लास में हमने खत्म कर दिया है। अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ भैया, थोड़ा बहुत तो सहयोग करो यार, हमारे चैनल को क्या कर दो, आप सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह के रोज नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ इसी चैनल में भी हम क्या कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस चला रहे हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं बिल्कुल अब इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे रमेश सर आ चुके हैं भैया, तो इंग्लिश मतलब कि रमेश सर बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोकन इंग्लिश की, जाकर देखिए, वो आपका ही वेट कर रहे हैं भैया, जाकर वीडियो देखो और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखो। और करियर से संबंधित जो भी डाउट है तो बिल्कुल हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर किसी भी टाइम, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, करियर से संबंधित जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे सबको आप क्वेश्चन को आप क्या कर लो, पहले लिख लो और हमारे मैम से आप बात कर अपने सारी समस्याओं का समाधान आप बिल्कुल ले सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास पे यहीं पर मैं खत्म करूंगा, अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।